अल्लाह पाक का शुक्र व एहसान। अलीपुर में एक और आलीशान मस्जिद का कयाम। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में शिया मुसलमानों के मरकज अलीपुर में एक और नई मस्जिद तामीर की गई है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद ज़ैनुल अबा। 10 मार्च 2024 बरोज इतवार मुल्क के मारूफ आलिम दीन सरपरस्त आला अलीपुर मौलाना सैयद मोहम्मद जकी अल बाकरी के हाथों इस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर आला पैमाने पर इफ्तिताही तकरीब मुनाकद हुई। अंजुमन जाफरिया अलीपुर के तहत मुनाकद हुई इस तकरीब में उलमाए कराम अमाई दिने शहर और अलीपुर के मोमिनीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक रुकन मारूफ शायर नातिक अलीपुरी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मस्जिद के इफ्तिताह से कबल अलीपुर के दारू जहरा से मस्जिद ज़ैनुल अबा तक जुलूस बरामद किया गया। इस जश्न के मौके पर लोगों में मशरूबात तकसीम किए गए। पूरे अलीपुर में जश्न व खुशी का माहौल देखने को मिला। अलीपुर के बस स्टैंड और सैयद मुस्तफ़ा हुसैन सर्कल के करीब वाक़े ये नई मस्जिद मुकामी लोगों के अलावा मुसाफिरों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए तामीर की गई है। इस मस्जिद के इंजीनियरों ने बताया कि तकरीबन 18,600 मुरब्बा गज़ ज़मीन पर मस्जिद कायम की गई है। 2 मंजिला इस मस्जिद का बिल्टअप एरिया तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट पर है। इस मस्जिद की तर्ज तामीर अरबिक आर्किटेक्चर पर मुश्तमिल है। मस्जिद नबवी के मीनार मेहराब और गुंबद के तर्ज पर इस मस्जिद के सामने के हिस्से को डिज़ाइन किया गया है। आमतौर पर शिया मसाजिद ईरान की तर्ज तामीर ईरान के आर्किटेक्चर पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये मस्जिद अरबिक आर्किटेक्चर पर कायम की गई है, जो शिया सुन्नी इत्तेहाद की खूबसूरत अलामत भी कही जा सकती है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 800 से ज़ायद लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के सहन में तकरीबन 400 से 500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अंजुमन जाफरिया अलीपुर की ज़ेर निगरानी इस मस्जिद में मदरसा, मकतब और अस्पताल तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। मस्जिद की इमारत को तमाम तर सहूलियात जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। बहरहाल अलीपुर जहां मसाजिद इमाम बाड़े आशुर खाने आबाद हैं, अब इस फहरिस्त में एक और मस्जिद मस्जिद ज़ैनुल अबा का इजाफा हुआ है। इस मौके पर अंजुमन जाफरिया के नुमाइंदों और अलीपुर के मुसलमानों ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए कहा कि पूरे अलीपुर के लिए एक तारीखी और यादगार दिन है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अलीपुर की पॉपुलेशन कुल 30,000 लोगों की है, तो 30,000 लोगों के लिए अभी तक एक हमारे पास जामे मस्जिद यहाँ है, मस्जिद जाफरिया। तो एक और बड़ी मस्जिद की ज़रूरत महसूस हो रही थी इतनी बड़ी तादाद के लिए। तो ये इसकी बुनियाद जो है वो 2007 में डाली गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बनकर जब सामने आई, खड़ी हो गई और नमाज़ पढ़ने के काबिल हो गई, तो जाहिर सी बात है लोगों को खुशी होना चाहिए। तो इस वक्त इस अलीपुर का बच्चा बच्चा खुश है। अलीपुर के तमाम औरतें, मर्द,
और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं और जो मुसाफिर हैं जो बाहर से आते हैं, ये चूंकि बस स्टैंड है तो बस स्टैंड में एक मस्जिद की ज़रूरत थी, जो लोग आने जाने वाले होते हैं तो मुसाफिरीन के लिए, उनके लिए भी नमाज की दिक्कत हो रही थी। तो इसका इफ्तिताह हमने यहाँ मौलाना ज़की अल बाकरी साहब हैं तो हमने उनको बुलवाया, और यहाँ के जो मकामी उलमाए किराम हैं और बेरूनी उलमा हैं जो तकरीबन सारे स्टेट से यहाँ आए, उन लोगों के हाथों से इसका इफ्तिताह अमल में आया। रसूल इस्लाम का फरमान है मसाजिद मुत्तकीन का घर है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं शहर अलीपुर में आज एक बेहतरीन मस्जिद जिसका नाम मस्जिद ज़ैनुल एबा है, आज उसका जश्न इफ्तिताह है। जो आप मोमिनीन बगौर हमारे मुस्लिमीन भाई देख रहे हैं, एक बेहतरीन शानदार मुस्तफ़ा हुसैन सर्कल के करीब एक मस्जिद बनी जा रही है, आज उसका इफ्तिताह है। हमारी अपील और गुजारिश ये है कि मसाजिद बनाना आसान है लेकिन नमाजियों को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असल मसला यही है कि इंसान असल नमाजियों को बढ़ाए। और एक हदीस, चूँकि जिन्होंने भी इस मस्जिद को बनाया है जहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई बना रहे हैं, एक हदीस मैं सुनाता हूँ। रिवायत और हदीस में है कि मासूम फरमाते हैं जो भी इंसान मस्जिद में एक ईंट रखे, अपनी तरफ से रखे, तो परवरदगार आलम जन्नत में उसको एक घर अता करता है। अब वो इंसान जो टोटल मस्जिद को तामीर करे तो उसको कितने घर और जहां बहश्त में मिले तो उसकी अजमत क्या होगी। हम यहीं से, जिन्होंने भी अव्वल नियत इस बुनियाद जो नियत रखी कि यहां पे मस्जिद बनाई जाए, वहां से लेकर आज तक जिस तरीके से भी खिदमात किए हैं, हम अपनी तरफ से, अंजुमाने जाफरिया की तरफ से, तमाम मिल्लते जाफरिया की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उन्हें जहां भी रहें आबाद व शाद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि आज अपने वतन अलीपुर में एक आलीशान मस्जिद की तामीर की है और इसका जश्न इफ्तिताह अभी अमल में आया है। हम खुदावंद बारगाह में जितने भी शुक्र के सजदे अदा करें तो कम है। इंशाल्लाह हमेशा ये मस्जिद नमाजियों से भरपूर रहेगी। अंजुमन जाफिया इंशाल्लाह इसका भरपूर निगरानी करेगी और नमाजियों को सहूलतें फराहम करेगी। और ये मस्जिद तकरीबन 2006 से स्टार्ट हुई, दूसरे मस्जिदों और दूसरे कारोबार से थोड़ा देरी आई, मगर अच्छी तरीके से पूरा अमल आज इफ्तिताह में आया। और अलीपुर में चार मस्जिदें हैं, चार मस्जिदों का भी पूरा तरीके से आ रहा है। इसमें एक मस्जिद में जुमा जमात होगी जमात का, और पूरे मस्जिदों में पूरा नमाजियों का भरपूर यह होगा। ये जो मस्जिद है 2019 से फिर तामीर करेगी, 2019 के बाद आज तकरीबन 2024 में 10 मार्च को आज इफ्तिताह का काम शुरू हुआ। खुदा का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम, आज अलीपुर में ज़ैनुल एबा का आज इफ्तिताह हो रहा है, जश्न जश्न हो रहा है आज, क्योंकि ज़ैनुल एबा की मस्जिद में सारा वतन खुश है। इसमें नमाजियों की तादाद मोहल्ले वालों की तादाद बढ़ रही नमाजों के लिए, इसलिए आलिशान ज़ैनुल एबा मस्जिद बना गई है। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आए तमाम मीडिया वालों का और तमाम हमारे हाजरीन जश्न में जितने भी मोमिनीन हैं, मोमिनीन का दिल के गहरों से अंजुमन जाफरिया तह दिल से शुक्रिया अदा करती है कि मैं बहसत अंजुमन जाफरिया सेक्रेटरी मीर अली जान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वखालल्लाहुल हकीम। अल्लाह ताला जब अपने घर की तामीर करवाना चाहता है तो किसी मोमिनिन के दिलों में, कुछ मोमिनिन के दिलों में एक जज्बा कौम का अता कर देता है, जिसमें यहाँ पर बहुत लोगों से जो आने वाले मुसाफिरीन और कई हजरात की ख्वाहिश थी कि अलीपुर के अंदरूनी हिस्सों में आलीशान इमामबाड़े और मस्जिद जाफरिया मौजूद है, लहजा जो अभी ये मस्जिद ज़ैनुल एबा मौजूद है जो मुस्तफ़ा हुसैन सर्कल
जो अलीपुर का मेन बस स्टैंड है, जो अलीपुर का बस स्टैंड कहलाता है, मेन सर्कल है, वहाँ पर ये मौजूद है। इसमें बहुत से मोमिनीन की और मुसाफिर हजरात की ख्वाहिश थी, बहुत सालों से इसका इरादा था, जो आज इस आलीशान मस्जिद को हम लोगों ने बज़ेर निगरानी उलमाए कराम और अंजुमन जाफरिया के ज़ेर निगरानी एक मस्जिद जाफरिया का मस्जिद ज़ैनुल अबा का काम इख्तिताम पर पहुँचा, जिसका मुरब्बा 18,500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है और 5,000 स्क्वायर फीट एडवांस में इसी मस्जिद के इलाके में ली गई है, जो आइंदा के वास्ते मदरसा तामीर किया जाए। और ये जो मस्जिद है 16 नंबर्स ऑफ टॉयलेट्स मौजूद हैं और 900 स्क्वायर फीट का एक वजू खाना भी है और इसमें किचन भी है और लैंडस्केपिंग ओपन स्पेस और फ्यूचर एक्सटेंशन के वास्ते 8,000 स्क्वायर फीट जगह भी बाकी है। इसमें एक वक्त ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में 1,000 से ज़्यादा मुसल्ली नमाज अदा कर सकते हैं और मजालिस महफिल मीटिंग वगैरह के लिए 2,000 मोमिनीन शिरकत कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। मैं मीर अली अब्बास, PRO अंजुमन जाफरिया इंजीनियर। माशाल्लाह, हमारे अलीपुर में बेहतरीन मस्जिद जो मुस्तफ़ा हुसैन सर्कल के पास बनाई गई है, ये तमाम जो आने वाले जाने वाले मेहमान हजरात भी रहते हैं, तमाम मुसलमानों के लिए नमाज के लिए ये मस्जिद बनी हुई है। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ के फातिमियन ग्रुप है, माशाल्लाह बहुत एक्टिव हजरात हैं ये। जैसे अंजुमन की बात को यहाँ जिन तक अंजुमन की बात पहुँचेगी वो पूरा हमारा तावन करेंगे। यहाँ बेहतरीन मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी, ज़ैनुल अबा कमेटी है, मौलाना सलमान आबिद साहब, ये तमाम हजरात ने अच्छी तरह खिदमत करके एक बेहतरीन मस्जिद बनाई है। इसमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए और माह रमज़ान नज़दीक आ रहा है, तमाम मुसलमान रोज़े से नमाज से करीब रहें। वसलाम, शुक्रिया। रुकन अंजुमन जाफरिया सैयद मुर्तज़ा हुसैन अलीपुर। ये क्या सर? भाई अरबिक आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है और ये मस्जिद हम लोग ने 2007 में शुरू किए थे, वो कुछ रीज़न से स्टॉप हो गई थी। साइट एरिया इसका तकरीबन 18,600 स्क्वायर फीट है साइट एरिया, और बिल्टअप एरिया जो है ग्राउंड फ्लोर 5,000 स्क्वायर फीट है और फर्स्ट फ्लोर अराउंड 4,500 स्क्वायर फीट है। तो 9,500 स्क्वायर फीट की मस्जिद है और टॉयलेट और वजू खाना अलग है। और ये तकरीबन 17 साल चलिया काम, स्टॉप हो गया था 18 में स्टार्ट हुआ, वैसे स्ट्रक्चर बना 22 तक, उसके बाद 22 के बाद फिनिशिंग हुई है, कैसे अब ख़त्म अब हुई है मस्जिद। और ये मस्जिद में स्पेशलिटी ये है कि डबल हाइट है, आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं। और मस्जिद में कैसे तकरीबन 800 लोग पढ़ सकते हैं, 850 लोग नमाज अंदर पढ़ सकते हैं, बाहर के पोर्शन को छोड़ के 500 लोग अंदर पढ़ सकते हैं, 350 लोग फर्स्ट फ्लोर में पढ़ सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर में 500 पढ़ सकते हैं, वरांडा और बाहर का हिस्सा और एक 400-500 लोग पढ़ सकते हैं नमाज। और बैठने का कोई तकरीब हुई, मजलिस हुई तो तकरीबन 1,500-2,000 लोग पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं मजलिस में या कोई भी तकरीब में। तो तकरीब जी, मेरा नाम एजाज हुसैन है, मैं एनआर्क आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स का हेड हूँ और ये मेरे भाई और दोस्त तसद्दुक हुसैन है, ये भी हमारे साथ इक्वली इन्वॉल्व थे, इंजीनियर है, यहाँ के लोकल इंजीनियर है और यही पूरा काम देखते थे मेरे साथ। ये आर्किटेक्चरल अरबियन स्टाइल से जो हम लोगों ने इंस्पायर हुआ है, जो मस्जिद नबी के मीनार हैं उससे हम लोगों ने इंस्पायर किए होके और मस्जिद नबी का जो सामने का जो पोर्शन है, जो आर्चेस हैं, उससे इंस्पायर होके उस डिज़ाइन से हम लोगों ने, और जो डूम है उसी तरीके से हम लोगों ने उसी तरीके से डिज़ाइन करके बनाया है। और ये मीनार मस्जिद नबी के रेप्लिका, हम लोग ज़्यादा उसका नहीं बट एक पोर्शन हमने उसका रेप्लिका लेके बनवाया है। तो इसका मोस्ट प्रॉबली जो ईरानियन स्टाइल होता है वो सिंगल स्ट्राइट मीनार होता है, जो अरबिक स्टाइल होता है वो डिज़ाइन का जो होता है, जो आपने देखा है अभी, तो ये मस्जिद नबी से थोड़ा सा हम लोगों ने इंस्पायर होकर इसको बनाया है। फन खताती जो की गई वो कैसे की गई है? फन खताती इसका कुछ भी नहीं है, अरबिक स्टाइल से हम लोगों ने बनाया है,
तो ये आर्किटेक्चर नई चीज इंडिया में तो काफी सालों से हम लोगों ने बेल्लारी में भी एक मस्जिद बनाई थी, मस्जिद यासीन, उसे उसी तरीके से ये भी मस्जिद को उसी तरीके से हम लोगों ने इसको रिप्लिकेट किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मस्जिद जैनुलाबाद कमेटी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना हमारे बुजुर्गों से कि कितनी प्यारी और हिम्मत का एक जज्बा हमें आना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा ऊपर नौनिहाल बच्चे तमसिन बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं वहां पर पहुंचे उनको खामोश कराए मेरे बच्चे खामोश रहेंगे इंशाल्लाह। आइए हजरात बिल्कुल नहीं है मेरे पास, मैं दरख्वास्त करता हूँ कौम मिल लेती हूँ सड़क
अगर खाना है बीबी शुक्रा को भी बनाने